लालू की रैली में बहुत गर्मी थी। वो गर्मी अभी भी कायम है। बीजेपी ने रैली को खारिज किया है और खर्च को राज्य की बड़ी क्षति कहा है। एक प्रकार से मुद्दा विहीन रैली भी थी, जिसका कोई लाभ इस राज्य की जनता को नहीं मिला और न राजनीतिक रूप से कोई दिशा देने का काम इस रैली ने किया। कुल मिला के आर्थिक अपव्यय भारी पैमाने पर हुआ है और यह राज्य की क्षति है। आरजेडी सांसद रामकृपाल यादव ने बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को याद किया और ऐसी रैली ऐसे ही मौसम में करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग ने हिसाब मांगा है, ये रूटीन कार्य है। बंगारू लक्ष्मण कौन थे? इनके पार्टी के अध्यक्ष थे ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजनाथ सिंह के पहले कौन थे? गडकरी साहब। लोगों ने देखा इनके खुलेआम घूस लेते हुए, बेईमानी करते हुए। मैं चुनौती देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि जिस समय 15 मई 43 से 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ रही थी, अगर उनकी हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी को तो 5000 आदमी भी खड़ा करके दिखा दें। नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा है कि दूसरे दल को भी इस मौसम में रैली करके दिखाना चाहिए। हमने जिन लोगों को बुलाया था उनको हमें संदेश देना था, उनको हमने संदेश दिया और वो संदेश लेके गए कि रैली हमारी सफल है। और मैंने तो यहाँ तक कहा कि इस चिलचिलाती धूप और भयंकर गर्मी में अगर कोई दल जो कह रहा है सुपर फ्लॉप है, तो वो 1 महीना 2 महीना में इस भयंकर गर्मी में ऐसी रैली करके दिखा दे। रैलियों में भीड़ जुटाने का जैसा व्याकरण है, कमोबेश वैसा ही व्याकरण रुपए जुटाने का भी है। बड़ी बात यह है कि रैलियों के बाद पार्टियों को जनता के सामने भी खर्च का हिसाब देने की परंपरा विकसित करनी चाहिए। पटना से आर्यन न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ प्रणय प्रियमवत की रिपोर्ट।